सर सो गुड टू सी यू टुडे और बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं आप, लेकिन शूज में देख रही हूँ तब से बहुत स्टाइलिश और डिफरेंट पहने हुए हैं। थैंक यू तो ये कोई गिफ्ट मिला है? शूज दिए मुछा नहीं कटाई है। ये काम लाजमी करना है आप द शो के बाद। आप क्या कह रहे थे, गिफ्ट है कि क्या? कोई गिफ्ट मिला है या स्पेशल खुद बनवाए आपने? नहीं, ये हैंडमेड है तो वो साइज देना पड़ता है, वो बनवा खुद ही बनाए मेरे ख्याल खुद ही। माशाल्लाह। हैंडमेड का मतलब मैं ही सुना बंदा अपने हाथ ना काम करे। वो हैंडमेड है, होममेड नहीं। सरदार साहब आप तो सन 40 की बात कर रहे हैं ना, ये आजकल हैंडमेड। स्टीरियोटाइपिंग एक खतरनाक लफ्ज है किसी भी कैरेक्टर हीरो के लिए। मेरी नज़र में आप पाकिस्तान के बड़े तरीन हीरो में से एक हीरो हैं। इस लफ्ज़ ने आपको कितना डराया और जब इसका सामना किया तो किस बहादुरी, दिलेरी और किस तकनीक के साथ किया, क्या हमारी ऑडियंस को बताना पसंद करेंगे? डर तो शुरू में लगता है हर चीज़ से, लेकिन फिर जब वो डर इतना बढ़ जाए तो फिर वो डर खत्म हो जाता है, फिर वो आदत बन जाती है। अच्छा, तो फिर जहाँ से बार बार वो सुनने को मिलता है फिर पता लगेगा ये इंडस्ट्री है ही ऐसी बनी हुई। कैसी? कि स्टीरियोटाइप चीज़ें हो जाती हैं। आपकी नज़र में स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप का मेरे लिहाज से मतलब नहीं है, यहाँ जो इंडस्ट्री बनी है कि ये जो कास्ट है ये सिटकॉम की कास्ट है, ये कास्ट सोप की कास्ट है, ये जो है ये प्राइम टाइम जो है सीरियल की कास्ट है। अच्छा, ये आप टाइमिंग का भी स्टीरियोटाइपिंग होती है? जी हाँ। फिर उसमें आता है कि ये कॉमेडियन है और ये जो है ये संजीदा है और ये सिर्फ सिटकॉम के लिए है, तो ये बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने पड़े, लेकिन वही है कि अल्लाह ही अल्लाह। आप पे भी कभी कोई छाप लगी रही? बिल्कुल, शुरू में किस चीज़ की लगी? सिटकॉम की शुरू में, क्योंकि कॉमेडी की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, तो वो शुरू में कॉमेडी मिली सिटकॉम में, तो वो दो चार प्लेस किए तो उसको वो क्या, अच्छा ये कॉमेडी की तरफ, कॉमेडी सिटकॉम का है, लेकिन फिर वही अल्लाह ही अल्लाह होता है। तो वो काशिफ निसार, उनके जब सीरियल किए तो फिर वो कौन सा किरदार था, क्या वो रकीब से था जिससे सब रकीब दम तोड़ गए और आपके आशिक पैदा हो गए इस दुनिया में? तो वो रकीब से ही था। रकीब से था तो हम चाहेंगे सामने कैमरा है, जरा रकीब से का किरदार अगर कोई दो डायलॉग सामने पब्लिक को जरा दिखा दिए जाएं। सामने कैमरा, ये मैं हूँ, वो कैमरा, वो नजर आ रहा है आपको कैमरा? लाइट नजर आ रही है? ठीक है, माशाल्लाह आपको सही नजर आता है। स्टार्ट साउंड कैमरा, स्टार्ट साउंड कैमरा, मेरा कैरेक्टर सॉन्ग हो गया। याद कर रहे हैं। लो जी, लत बजन लगी जी। रफीक अली वल्द शफीक अली, बहुत वड्डा जंगलियों में नाले गुस्सा ऐसा है कि पौ जाती है खोपड़ी मेरी। जो आपकी बातें और जो हरकतें हैं ना, आपको टोटे टोटे करके नहर में डाल देना चाहिए। आए, लेकिन फिर सोचता हूं नहर खराब करने से क्या फायदा। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर हीरो ऑफ पाकिस्तान, साकिब सुमीर, और आप देख रहे हैं मजाक रात। एक कैरेक्टर एक्टर की जिंदगी में स्ट्रगल सांस के साथ साथ चलती और धड़कन के साथ साथ धड़कती है। स्ट्रगल के वक्त में वो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जो आज तक नहीं भूल सके? बर्दाश्त पैदा करना, मुख्तलिफ चीज़ों की बर्दाश्त पैदा करना, क्योंकि जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती तो या तो आप डिसार्ट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या फिर उनको बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं अच्छा ये ऐसे है और मुझे इस तरीके से ही चलना। सबसे बड़ी चीज़ कौन सी बर्दाश्त करनी पड़ी आपको? जाहिर बात है सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई दिन ऐसे गुजरे के पैसे नहीं थे, जेब खाली, बिल्कुल खाली। मतलब भूख को देखा आपने? हाँ, मतलब वो देखा, तभी तो आज जब मैं
अपने पैसों से खरीदे हुए तकिए पे सोता हूँ तो ऐसी मजे की नींद आती है। और इसका मतलब आप किसी के तकिए पे भी सोए? किसी के तकिए पर सोने से मेरी मुराद ये है कि किसी दोस्त के घर या किसी के दिलाए हुए तकिए पे जो आप खुद कफील नहीं थे, जब कभी भूखे पेट एक्टिंग की, किसी को पता नहीं चलने दिया? कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा, यानी खून भी ऐसे ले भी ऐसे ले। आप परफॉर्म कर रहे हैं और शदीद भूख लगी है, कोई ऐसा वाकया याद है आपको? देखें, जब परफॉर्म कर रहा होता फिर तो ये चीजें ही जहन से निकल जाती थी ना, जहन जो है वो सिर्फ एक्टिंग की तरफ और काम की तरफ होता था, तब ये चीजें बिल्कुल। जेड़ा रोल कर रहे थे वो रजे बंदे दा से। अच्छा। लेकिन वो लग नहीं सी रहे। अच्छा, हो सकता है लड़की ने क्या हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम भी करते हो तो एक समोसा ले दूँ। ऐसा एक्टिंग में नहीं हुआ लेकिन रियल लाइफ में काफी दफा हुआ। अच्छा बताइएगा, अच्छा बताइएगा, कभी ऐसी मोहब्बत भी स्ट्रगल के दौरान हाथ से रेत की तरह निकली कि तुम्हारी जेब इस काबिल नहीं है? ऐसा मतलब मोहब्बत के बारे में तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कराची आया था 2006 में तो ये मोहब्बत वोहब्बत कर कुर के लपेट के खत्म करके फिर मैं कराची आया। अच्छा समीर भाई, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, भूखे काटी, अपना तकिया किस सन में लिया? बात जो थी बात वही रह गई, मुझे पहली मोहब्बत जिसको आपने लपेट के रखा उसे क्यों लपेटना पड़ा? तकिया नहीं था ना। अच्छा क्या वो असल में वो टाइम था जब था कि अच्छा मोहब्बत होगी अब बस शादी होगी, मतलब और कुछ पता ही नहीं था। तो जब वो चीज़ हुई तो पता लगा कि नहीं, और भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। मसलन तो वो अल्लाह उनके अबू को जन्नत में जगह दे, उनका था कि हम खानदान से शादी बाहर नहीं करते। तो मेरा था ये मैं कैसे करूँ अब दोबारा से, कैसे उनके खानदान में कैसे शामिल हूँ। अच्छा तो वो मैंने उन्हें कहा आप शर्त लगाएं कि क्या काम करता है, मैं वो काम करके दिखाऊं। आप कहें कि इतना मंथली होना चाहिए, मैं वो काम करके दिखाऊं, उतना मंथली कमा के दिखाऊं, स्टेबल, कोई ऐसी शर्त लगाएं जो मैं कर सकूं। खानदान में शामिल होना, या तो आपकी बेटी से शादी करके शामिल हो सकती हूं या फिर किसी और की बेटी से शादी करके शामिल हूं फिर आपकी बेटी से शादी करूं। उन्होंने क्या कहा जवाब में? वो नहीं माने। आप रोए? रोना। तकरीबन 2 साल तक मैं हॉस्पिटल आता जाता रहा। दिल जोरदार टूटा। हाँ, बाकायदा तौर पे, उसी से तो फिर मजबूती मिलती है, फिर पता लगता अच्छा ये है। यानी कि आपकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है जिससे आपने नाकाम मोहब्बत की। अल्लाह का शुक्र है एक औरत का ही हाथ था।